विदिशा जिले के पठारी नगर का दूसरा और तहसील का तीसरा कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने से सनसनी फैल गई है। पहले कोरोना पॉजिटिव की मां भी पॉजिटिव पाई गई है, जिसको लेकर प्रशासन हाई अलर्ट है, जो लोगों को कोविड-19 की गाइडलाइन पालन करवाने के समझाइश दे रहा है। डॉक्टर अलावा ने 17 लोगों के सैंपल लिए हैं। बुधवार को कोरोना सैंपल की जाँच रिपोर्ट में एक महिला पॉजिटिव पाई गई थी, जिसको लेकर नगर में हड़कंप मच गया था। प्रभारी तहसीलदार चंद्र कुमार ताम्रकर ने बताया कि 22 वर्षीय कोरोना पॉजिटिव युवक की मां कोरोना पॉजिटिव आई है। प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के अमले ने कोरोना पॉजिटिव महिला को एम्बुलेंस से अटल बिहारी मेडिकल कॉलेज विदिशा भेज दिया। विभाग ने सैंपल की झूठी जानकारी दी थी। रविवार को नगर में पहला कोरोना पॉजिटिव मिला था, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग ने 20 लोगों की सूची जारी की थी, जबकि विभाग ने केवल मरीज की मां और बहन के सैंपल लिए थे, जिससे मां पॉजिटिव पाई गई थी। इतने गंभीर मामले में भी स्वास्थ्य विभाग लापरवाही करने से नहीं चूक रहा है। विदिशा पठारी से आशीष सहले की रिपोर्ट। पठारी में कस्बे में ये दूसरा है, लेकिन पठारी तहसील क्षेत्र में तीसरा, जो पहले से ऑलरेडी थे। तो अभी 3 दिन पहले रविवार को कलीम नाम का व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव निकला था, जिनके परिवार वालों के सैंपल लिए गए। आज उसकी मां सलमा भी कोरोना पॉजिटिव आई है। जैसे गुरुबाई से डॉक्टर की टीम आई, तहसीलदार महोदय मैं था, सारा एरिया दोबारा से सैनिटाइज कराया गया और आसपास वाले 17 लोगों की कुल सैंपलिंग कराई गई। और जो कोरोना पॉजिटिव महिला निकली हैं सलमा भी, उनको एम्बुलेंस के माध्यम से विदिशा जिला चिकित्सालय रवाना किया। स्थानीय लोगों को आपका क्या अपील है, क्या है सुझाव? स्थानीय लोगों को लगातार हर माध्यम से समझाया जा रहा है कि आपसी दूरी बना के रखें, जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगाए रहें, हाथों को लगातार धोते रहें, एक दूसरे से बात करते समय पर्याप्त दूरी का ध्यान रखें। बिना हम व्यापारी बंधुओं को समझा रहे हैं कि बिना मास्क के ना तो सामान दें, ना ही किसी ग्राहक को अपने दुकान पर बिना मास्क के आने, और दुकान के सामने भी एक बैरिकेड लगाएं, रस्सी लगाएं, जिससे एक प्रॉपर डिस्टेंस बन सके ग्राहक और दुकानदार के बीच। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।